हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कस्तूरी रॉय चैनल में। दोस्तों आज हम बनाएंगे बैंगन के पकौड़े। दोस्तों मैंने 2 बैंगन लिया है। पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले बेसन आधी कटोरी, हरी मिर्च, अदरक, काफी सारा लहसुन, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी कलर के लिए, हींग और रिफाइन तेल। दोस्तों मैंने इसमें धनिया पत्ता का भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों सबसे पहले हम इसे पीस लेंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को। आप चाहे तो आप इसे कूट के भी डाल सकते हैं। दोस्तों पहले हम बैंगन को काट लेंगे। हमको इसको बीच से काटना है। आप चाहे तो बड़ा लंबा लंबा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ छोटा ही रखा है कुछ इस। इसे काट लेंगे इस तरह से। सारे बैंगन को हम ऐसे ही काट लेंगे। दोस्तों सारे बैंगन को मैंने इस तरह से काट लिया है। अब इसे साइड में रख दूंगी। दोस्तों ये बेसन का हम गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। अदरक लहसुन जो हरी मिर्च थी वो मैंने पीस लिया है। आप चाहे तो ये जो कटा हुआ धनिया है आप इसे भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे काट के रख लिया है। अब इसे हम घोल लेंगे हल्का पानी डाल के। चटनी भी इसी में डाल देंगे। हरा धनिया, ये 1 छोटा चम्मच है, हल्दी डालेंगे कलर के लिए, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। मैंने चटनी में नमक नहीं लिया है तो इस हिसाब से डालेंगे। 2 चम्मच नमक लिया है। अभी से हम एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो इसको हाथ से भी मिला सकते हैं। मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है। तरफ अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं बेसन को घोल लिया है मैंने। मैंने ना ज्यादा पतला किया है ना ही ज्यादा मोटा किया है। आप देख सकते हैं
से हम इस तरह से देख लिए हैं। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। दोस्तों मैंने कढ़ाई रख लिया है, तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है तब हम अपना बेसन बैगन ढेके में देख लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों तरफ बेसन का बैटर जो है बैगन के ऊपर हम ऐसे ही लगा लेंगे। दोस्तों कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। गैस को मीडियम ही रखेंगे। दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पकौड़े डालेंगे। कुछ इस तरह से दोस्तों जब तक बैगन हमारा एक तरफ से ब्राउन नहीं होता तब हम इसे ऐसे ही भून लेंगे। अब इसे हल्के हाथ से धीरे धीरे पलट के देख लेंगे एक तरफ से ये ब्राउन हुआ है कि नहीं, अभी ये चिपका हुआ है तभी से हम नहीं छेड़ेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बैगन एक तरफ से हल्का ब्राउन हो चुका है, अभी हम पलट लेंगे। दूसरी तरफ से हम ऐसे ही से भून लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पकौड़े हमारे तल चुके हैं, अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह हम सारे बैंगन को ऐसे ही भून लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे घर में कभी भी बना सकते हैं। Thank you.
खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। दोस्तों कड़े हमारे तल चुके हैं, अब इसे हम फिर से बर्तन में निकाल लेंगे। दोस्तों पकौड़ा हमारा बनके रेडी है। मैंने इसे हरी धनिया चटनी के साथ और गर्म चाय के साथ सर्व किया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और भी ऐसी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल कस्तूरी रॉय को जरूर सब्सक्राइब करें।